हर समय के अपने बिंब या टैग होते हैं। कबीर के समय के सूत चादर पनगट घड़ा थे, गालिब के समय मैखाना चिराग नकाब थे, आज के समय के बिंब या टैग फेसबुक सेल्फी ब्रेकअप हैं। इसी तरह हर लीजेंड के भी अपने अपने बिंब होते हैं। नेहरू अपने समय की ज्यादातर फोटोज में आपको गुलाब लगाए दिख जाएंगे। गांधी जी अपने समय की ज्यादातर फोटोज में अपने डंडे के साथ दिख जाएंगे। चार्ली चैपलिन अपने समय की ज्यादातर फोटोज में अपनी हैट के साथ दिख जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी, वो अपने समय की ज्यादातर फोटोज में दिख जाएंगे। उनका पैशन गुलाब, डंडा या हैट पहन के फोटो खिंचवाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाना है। आज प्रधानमंत्री के इसी पैशन की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। हमें इस वीडियो के शुरुआत में ही डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कोई भी शौक या पैशन, अगर वो किसी दूसरे या दूसरों का नुकसान नहीं कर रहा या किसी दूसरे की एवज में नहीं है, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर इसकी बात हो ही क्यों रही है? कई कारणों के चलते। अव्वल तो हमें कई मेल आए, FB मैसेंजर के माध्यम से भी हमें लोगों ने संपर्क किया और पूछा कि इस फोटो की सच्चाई बताइए कि ये फोटो रियल है या फेक। अब सवाल ये कि इस फोटो में लोगों को किस बात की रियलिटी जाननी है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि फोटो में दिख रही महिला मोदी की माँ है और मोदी उनसे मिलने गुजरात जाते रहते हैं। दरअसल लोगों को जानना है कि ये जो कैमरामैन और फोटोग्राफर आसपास मंडरा रहे हैं, क्या वो रियल हैं या फोटोशॉप। लोग मोदी के कैमरा प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने पड़ताल की और बहुत हद तक कन्विंस हैं कि ये फोटोज रियल हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत ढेर सारे साक्ष्य हैं, आप खुद उन्हें देख सुन लें और निर्णय लें। सबसे पहले सबसे कमजोर सबूत, और इस सबूत को आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि आगे हमारे पास कुछ बड़े सबूत भी हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों, रियल और फोटोशॉप्ड तस्वीरों में अंतर वैसे तो पहली नजर में ही क्लियर हो जाता है, लेकिन गौर से देखें तो फिर आशंका कम ही रहती है। एक बार आप फिर देखिए और साथ में गूगल करके कुछ अन्य फोटोशॉप तस्वीरें भी देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाली फोटो रियल है। YouTube वीडियो नंबर 1, एक YouTube वीडियो है, अपलोड 17 सितंबर को हुआ है, उसी दिन जिस दिन मोदी का बर्थडे होता है। साल है 2014। जरा ड्रेस देखिए, ठीक वही जो वायरल हो रही फोटोज में दिख रही है। यानी ये तो श्योर है कि जिस दिन ये फोटो ली गई थी उसी दिन का ये वीडियो भी है। इस वीडियो में 1:58 पर आपको कैमरे दिखेंगे। पूरे वीडियो के दरमियान बीच बीच में फ्लैश की रोशनी भी दिखेगी। और ज़्यादा गौर करेंगे तो देखेंगे कि फ्लैश एक जगह पर नहीं, कई जगह पर चमक रहा है, यानी वहाँ पर एकाधिक फोटोग्राफर हैं। YouTube वीडियो नंबर 1 फिर से। अगर आपको ऊपर के दोनों ही सबूतों में कोई दम नहीं लग रहा, तो ज़रा एक लॉजिक की बात भी कर ली जाए। हमने उस दिन का यानी 17 सितंबर 2014 का एक वीडियो देख लिया, यानी कम से कम एक वीडियोग्राफर तो निश्चित है। हमने उसी दिन की एक फ़ोटो भी देख ली, यानी उस दिन वहाँ पर न्यूनतम एक फोटोग्राफर भी था ही। साथ ही ओरिजिनल फ़ोटो को अगर फोटोशॉप्ड मान भी लें, तो वीडियो को एडिट करने का कहीं कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में काफ़ी समय और रिसोर्स लगते हैं। और ये वीडियो उसी दिन अपलोड हो गई जिस दिन मोदी का बर्थडे था। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये वीडियो एडिटेड नहीं है और इसमें एक वीडियोग्राफर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो टोटल संख्या हो गई 2 वीडियोग्राफर और 1 फोटोग्राफर। वहाँ कम से कम इतने लोग तो मौजूद ही थे। अच्छा, आपको एक और बात बताते हैं, हम जिस तस्वीर की पड़ताल कर रहे हैं उसके कितने ही वर्जन सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं, और सब में से फोटोग्राफर काट दिए गए हैं, क्रॉप कर दिए गए हैं। और चूंकि इन नई वाली फ़ोटोज़ में ये फोटोग्राफर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ही लोगों के मन में डाउट है कि शायद रियल वाली फ़ोटो फोटोशॉप्ड है, लेकिन है दरअसल उल्टा। YouTube वीडियो नंबर 2, ये दूसरी वाली वीडियो भी मोदी के बर्थडे के दिन अपलोड की गई है, यानी 17 सितंबर को, लेकिन 2 साल पहले यानी 2012 में। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब भी बर्थडे में अपनी माँ से मिलने गए, और गए तो पूरे लश्कर के साथ, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स का लश्कर। अब ये बात कैसे कह सकते हैं हम,
बस वही लॉजिक वाला पॉइंट कि अगर वीडियो यूट्यूब में है तो कम से कम एक वीडियोग्राफर तो वहां पर उपस्थित था ही। साथ ही इस वीडियो में आपको कैमरे के एकाधिक फ्लैश दिखाई देते हैं, यानी कुछ फोटोग्राफर्स भी थे ही। तो इस वाले पॉइंट से हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि जब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में फोटो ऑप के प्रति इतने कंसर्न थे मोदी जी, तो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में तो क्या ही कैफियत रही होगी। तो यूं इतने सारे तर्कों के बाद हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि कसौटी में रखी गई फोटो रियल है, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि अंतिम निर्णय आपको ही लेना है। अब इस पड़ताल को करने के बाद बात आगे करते हैं कि इस वीडियो को करने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। असल में कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस और भाजपा में जमकर बयानबाजी हुई। कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने कहा कि डॉलर के दाम मोदी की मां की उम्र के बराबर हो गए हैं। राज बब्बर ने कहा, मोदी कहते थे कि डॉलर के सामने रुपया इतना गिर गया है कि इसका मूल्य उस वक्त के प्रधानमंत्री की उम्र के करीब जा रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो तब इज्जत से उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन हमारी परंपरा ये नहीं कहती। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज रुपया गिरकर आपकी पूजनीय माताजी की उम्र के करीब पहुंचना शुरू हो गया है। इसके जवाब में बीजेपी का बयान आया कि राजनीति में किसी के माँ बाप को घसीटना ठीक नहीं। फिर इस जवाब के जवाब में कांग्रेस ने कहा कि खुद मोदी अपनी माँ और उनके साथ अपने अच्छे रिश्तों का राजनीतिकरण करते आए हैं, और इसके जवाब में इन तस्वीरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इतने फोटोग्राफर्स के साथ वो भी बरामदे में फोटो खिंचवाने का क्या मतलब था अन्य था। खैर, इस पूरे वाद विवाद में कौन जीता ये तो बहस का मुद्दा रहेगा, लेकिन इस सब के चलते ये फोटो और इस दिन की कई अन्य तस्वीरें फिर से वायरल हो गई। अब अंत में एक बात और, मोदी देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, शायद कोई इच्छा भी नहीं बची होगी। अब प्रधानमंत्री बन लिए, देश विदेश घूम आए, भाजपा को वहां पहुंचा दिया जहां वो आज से पहले कभी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर इंसान की एक छोटी सी इच्छा कहीं ना कहीं रह जाती है, फिर चाहे उसे आप बचकानी कहें या उसकी खिल्ली उड़ाएं। उनकी इस इच्छा के उदाहरण जुकरबर्ग और ओलान के साथ खींची गई उनकी तस्वीरों में जाहिर हो जाता है। इसी इच्छा के चलते उन पर गुजरात के राज्यपाल का अपमान करने का आरोप लगा था, तब जाकर लल्लनटॉप को पड़ताल करनी पड़ी थी और पता लगा था कि मोदी राज्यपाल का अपमान करने के लिए उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ गए थे, बल्कि फोटो ऑप के चक्कर में उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। एक और फिलोसफिकल बात पता चलती है, वो पुराने एनेक्डोट गल्प कथाओं में होता था ना कि बड़े बड़े राक्षसों की जान भी एक तोते में थी। सुनते तो आप आज भी होंगे, उस आदमी की जान तो अपनी बेटी में बसी हुई है, ऐसे कुछ डायलॉग। ये जान बसा होना दरअसल आसक्ति ही तो है। तो इच्छाओं का बेशक कोई अंत नहीं, लेकिन इच्छाओं के साथ एक क्यूट बात भी है कि उसका कोई भरोसा नहीं। दिल भी एक जिद में अड़ा है बच्चे की तरह, या तो उसे चाहिए सब कुछ या कुछ भी नहीं। ये राजेश रेड्डी का एक शेर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और हमारे Android ऐप को Google Play से डाउनलोड करें। शुक्रिया।